हाँ तो बच्चों देखिए, तुम्हें हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। तो ये कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, तुम जो ये बच्चे को अगर बचाना चाहते हो तो इसके वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखो, और कही प्रताप बल रोषु हमारा, कि हमारा बल प्रताप और शौर्य है उसको इसके सामने प्रकट करो कि हम कितने बलशाली हैं, इसको हमारे बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। लखनऊ कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे मुनि, तुम्हारा सुयस तो तुम्हारे अलावा कौन बता सकता है, तुम्ही अछत को बरने पारा, तुम ही बार बार अपनी जो वीरता है उसको प्रकट कर रहे हो, तो तुम्हारे अलावा इस वीरता को और इतने अच्छे शब्दों में कौन प्रकट कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। तुम तो अपने मुँह से ही अपनी बातों का इतना वर्णन कर रहे हो, अपनी कीर्ति का, अपने प्रताप का, अपने शौर्य का इतना वर्णन कर रहे हो कि बार अनेक भांति बहु बरनी, कि मैं तो बार बार अब तुम्हारे ही मुँह से तुम्हारी ही करनी को या तुम्हारे ही गुणगान को सुन रहा हूँ, जबकि ये सही नहीं है। नहीं सुन तो शुते पुनि कछु कहेहु, जनिरिस रो की दुसे दुख सहेहु, कि अगर अब भी तुम्हें अपनी वाणी पर या अपने वचनों पर संतोष नहीं है, अपनी जो अपने आप तारीफ कर रहे हो उन पर अगर आपको संतोष नहीं है, तो जनिरिस रो को दुसे दुख सहेहु, तो अपने आप को जैसे क्रोध को रोकिए मत, अपने क्रोध को, जैसे आप जो क्रोध कर रहे हैं कि कोई दूसरा आपके बारे में ज़्यादा और तारीफ करे, तो जनिरिस रोको, अपनी जो क्रोध है उसको रोकिए मत, और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं मुझसे वो निसंकोच कह दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। तो वीरवती, वीरता के बल की अगर तुम इस तरह से अपनी मतलब तारीफ करोगे, अपने मोह मियां मिट्ठू बनना, तो ये कह रहे हैं कि अपनी वीरता का तुम इस तरह से गुणगान मत करो, हे धैर्य धारण करने वाले ब्राह्मण जी। गारी देत ने पावहु शोभा, कि आप इस तरह से अपशब्द कहकर या गाली देकर ये आपको शोभा नहीं देता है कि आप इस तरह से कोई भी ऐसा कार्य करो। अब यहाँ क्या कहेंगे देखो लक्ष्मण जी, कि सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथही प्रताप। सूर समर, सूर वीर युद्ध में करनी करही, यानी कि जो कार्य आपको यहाँ जो आप बता रहे हो उसको बताकर नहीं, जो शूरवीर होते हैं वो अपने कार्य को युद्ध भूमि में दिखाते हैं, यहाँ इस तरह से आप अपना परिचय मुझे मत दीजिए। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथे ही प्रतापु, कि रिपु यानी शत्रु के सामने इस तरह से आप अपनी वीरता का बखान मत कीजिए। आपको अपनी वीरता दिखानी है, अपना प्रताप दिखाना है, तो आप युद्ध क्षेत्र में आइए, यहाँ अपनी व्यर्थ में डींगे मत हाँकिए। तो यहाँ जैसे व्यंग बहुत ज़्यादा वो कसे जा रहे हैं, लक्ष्मण जी और परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो रहे हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि अभी और देखो कितना मतलब लक्ष्मण जी परशुराम जी को अपमानित करते हैं, और वो किस तरह से क्रोध में आगे जैसे कठोर वचन उनको बोलते जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और आप इसका वीडियो थोड़ा तरीके से देखना, एक एक लाइन एक एक अर्थ देखना इसका, एक एक मीनिंग से ही आपको इसका समझ में आएगा चैप्टर, और जो व्याख्या दी है उनको आप ध्यान से समझिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।